बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिस्क्लेमर, ये वीडियो एजुकेशन पर्पसेस के लिए है, इसका कोई क्लेम या ब्लेम नहीं है। तो आज की वीडियो आपने ना गौर से देखनी है, और ये वीडियो जो है ना, ये इंशाल्लाह ताला आपको आपका व्यू ओपन करेगी शिप के मुतालिक ना। तो इसको वीडियो को पूरा देखना है, और इसमें कुछ न्यूज़ शेयर की जाएंगी, और उसके बाद शिप आई एन यू का टेक्निकल ओवरव्यू आपके साथ शेयर किया जाएगा ना। तो आप इस वीडियो को पूरा काइंडली देखें, ताकि आपको पता चल सके अच्छा यार क्या दुनिया में हो रहा है। देखें, सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ एलोन मस्क के ट्वीट के साथ ना। उनसे पूछा गया एलोन मस्क से कि डू यू हैव एनी शिप, तो उन्होंने रिप्लाई दिया कि नहीं, मेरे पास कोई शिप नहीं है, बल्कि आई ओन डॉजी इथेरियम एंड बिटकॉइन। ये कुछ दिन पहले ये आया ना, और ये न्यूज ऑलमोस्ट 25 अक्टूबर की है। तो पहले मतलब क्लियर ये कर दिया गया कि एलोन मस्क जो है ना, वो शिप को ओन नहीं करते। तो इसके बाद भी पीक आई है लगे, ठीक है जी। तो इसको मैं कैंसिल करता हूँ, और इसके बाद चला जाता हूँ एलोन मस्क हेल्प्स डॉजी कॉइन डॉजी प्राइस सर्जेस टू रिवाइल शिप आईएनयू इन द मार्केट कैप। मतलब उनके ट्वीट के बाद तो डॉजी थोड़ा सा ना, मतलब कि उन्होंने ट्राई किया कि डॉजी को थोड़ा सा ऊपर किया जाए ना। तो ये न्यूज है ऑलमोस्ट कब की, ये न्यूज है 23 आवर्स अगो की, ठीक है। मतलब कि वो शिप वो डॉजी को ज्यादा फेवर कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन स्टोरी बिहाइंड द बार्स क्या है, ये हम नहीं जानते, ये जस्ट एक ट्वीट्स है ना। तो इसको अगर मैं कैंसिल करूं, और एक नया अभी 4 घंटे पहले एक खबर आई है कि शिप एंड डॉजी बिकम्स टू मोस्ट पॉपुलर टॉपिक्स इन द कम्युनिटी, दैट्स व्हाई वोलेटिलिटी माइट हिट मार्केट। तो जैसे कि हमने देखा कि पिछले एक दिन में शिप आई एन यू और डॉजी ने डोमिनेट किया वॉल्यूम्स में, ठीक है, दो मार्केट को ना। तो इसलिए ये खबर चलाई गई कि क्या नाम है कि ये डोमिनेट करें। तो उसमें डॉजी ने अपनी पीक भी देखी ना थोड़ी सी, मतलब 0.33 तक आया वो, ठीक है, थोड़ा सा चला वो ना। तो उसके बाद लेकिन वो थोड़ा ठंडा हो गया, तो इसीलिए वो उसमें थोड़ी सी गिरावट आ गई, क्योंकि जारी बात है वो टेक्निकल्स को फॉलो कर रहे हैं। उन्होंने थोड़ी सी पीक लेने के बाद अपने आप को थोड़ा सेटल करना है, फिर आगे पीक मारनी। तो ये डॉजी और उसका कहने का मकसद ये है कि इन दोनों में ना एक टसल चल रही है कौन जीत रहा है। हालांकि टॉप 10 कॉइन्स में ये लोग आ चुके हैं, मतलब कि डॉजी भी है और शिप भी था एक वक्त, ठीक है जी। तो उसके बाद ये जो न्यूज है, ये 4 घंटे पहले आई, उसमें कहा गया कि हु विल विन द बैटल टू बिकम द न्यूमेरो यूएनओ मीम करेंसी। तो इसको आप पढ़ सकते हैं, ये आप cryptonews.net पे पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो मोटी बात ये है कि इसमें ये बताया गया है कि शिप भी जो है ना, वो एक अच्छा है और टारगेट कर सकता है आगे नहीं, मतलब कि 0.00001 जो भी इसकी लिमिट है, 0 ब्रेक कर सकता है। तो डॉजी किलर इसको कहा जा रहा है ना, और ये एक अच्छी मतलब के न्यूज है। उसके बाद ये एक अच्छी न्यूज आई है जो कि 13 घंटे पहले थी, पिटिशन टू लिस्ट शिप आईएनयू ऑन रॉबिनहुड गेन्स फॉर 400k सिग्नेचर एज चीप प्राइस सोर्स, ठीक है जी। तो ये शिप के लिए एक अच्छी न्यूज थी, ठीक है। तो आप ये भी पढ़ सकते हैं, ये भी उसी पर पड़ी हुई है। तो कहने का मकसद ये है कि अभी जो है करंटली वो शिप के मुतालिक अच्छी न्यूज आ रही है, ठीक है। और ये देख लें कि शिप आई एन यू थर्ड मोस्ट गूगल क्रिप्टो इन 2021 बिहाइंड बीटीसी ETH एंड स्टडी शोज, ठीक है। तो इसका मतलब ये डेफिनेट ये है कि लोग इसके पीछे पड़े हुए हैं, ठीक है, और लोगों का इसमें इंटरेस्ट भी है। और मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ जो कि 28 अक्टूबर को एक चीज शेयर हुई कि वाई इज शिप आई एन यू अप ओवर 100 million% दिस ईयर, ठीक है। अब इस साल उसने 2021 में, मतलब 2020 से लेकर अब तक उसने 100 million गेन किया। इट्स एन अनएक्सपेक्टेड गेन और क्रेजी गेन किया उसने। तो अगर आप इसको लेके बैठते हैं अगले साल के लिए, मतलब साल के लिए, तो इंशाल्लाह इसका स्कोप अच्छा है। तो आप इसमें थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करें, उतनी इन्वेस्ट करें जो कि आपकी पॉकेट मनी है, इसको लेके रखें। कोई पता नहीं कल क्या होने वाला है, सारी क्या सराइयां हैं कि यहाँ तक हो जाएगा, यहाँ तक हो जाएगा, यहाँ तक हो जाएगा, यहाँ तक। असल में स्टोरी किसी को भी नहीं पता, हम जो है ना वो टेक्निकल की बेस पे, न्यूज की बेस पे इसको लगा सकते हैं कि यहाँ तक चला जाएगा, यहाँ तक चला जाएगा, लेकिन ओरिजिनल बात कोई भी नहीं बता सकता। लेकिन ऑन द ग्राउंड, ऑन द पेपर अगर देखें तो इसमें लगता है ये है कि ये आपको 0.00 एक और ब्रेक करेगा ना अपना कम वक्त में। और इसको आप लंबा होल्ड करके बैठेंगे तो कोई पता नहीं है कहाँ तक जाने वाला है ना ये। और उसके बाद एक न्यूज मैं शेयर करता हूँ आपके साथ, ऑलमोस्ट 900 million SHIB टोकन बर्न
ये 24 तारीख की न्यूज है कि उस दिन इतना इनको बंद किया गया। देखिए इसको ऊपर लेके जाने के लिए ये बेसिक सी बात है कि इसके टोकन्स बंद करने पड़ेंगे। बंद करेंगे, मार्केट में टोकन शॉर्ट होंगे, तो इसका मतलब ये है कि उसकी प्राइस वैल्यू बढ़ेगी, तो तभी इसको जो है ना ऊपर से ऊपर लेके जाएगा। और एक्सपेक्टेड है, ये कह रहे हैं कि नई टेक्नोलॉजी में इसको हम टोकन्स बंद करेंगे ना, इसके ज्यादा से ज्यादा टोकन बंद करेंगे, और कोई पता नहीं कि आगे जाके ये क्या करने वाला है, ये अल्लाह बेहतर जानता है। तो उसके बाद पॉलीगॉन, ये खैर आपसे रिलेटेड न्यूज नहीं है, तो कहने का मकसद ये है कि न्यूज शेयर करने का मकसद ये था कि एक स्टोरी बिल्ड करना चाह रहा था मैं, तो कि मतलब आपने देख लिया कि 100 मिलियन उसने गेन दिया है 1 साल के अंदर। और एक न्यूज ये भी शो हो रही होती है कि एक बंदा था, उसने पता नहीं कितने के बिटकॉइन खरीदे, उसको 1 साल रखा, तो अब उसने 1.5 मिलियन के, आई थिंक एट एट 3,000 डॉलर लगा के उसने 1.5 बिलियन अपने कमा लिए। तो आई डोंट नो वो 0,000 प्राइस पे उसने लिए होंगे कहीं ना कहीं, तो साल पहले, तो अगर वो 100 मिलियन उसकी प्राइस इंक्रीज हो गई है, इसका मतलब ये है कि देर इज समथिंग इन इट। तो इसको आप इग्नोर ना करें, इसमें पॉकेट मनी इन्वेस्ट करें बेसिकली, और इसको लेके भूल जाएं। ये अपनी क्या सराहियां कि इसको थोड़ा सा बढ़ गया है तो इसको बेच दिया जाए, थोड़ा सा बढ़ गया इसको बेच दिया जाए, इससे जरा दूर रहें ना, लंबा जरा सोचें, 100, 10, 50 यूरो के पीछे ना जाए, डॉलर के पीछे ना जाए, लंबा सोचे। तो जो लंबा सोच जाएगा वही जीतेगा, ठीक है, और वही गेन में रहेगा, और या फिर आपके जीरो हो जाएंगे या फिर आप के बहुत बढ़ जाएंगे इंशाल्लाह तआला। तो एक्सपेक्टेड ये है कि पॉजिटिव साइड की तरफ है, कि बढ़ने की तरफ है, तो 10-20 डॉलर का गेन देखिए इसको ना बेचे ना। उसके बाद इसकी मैं अगर आपको टेक्निकल साइड अगर हम देखें ना, तो देखें टेक्निकल साइड पे मैं इसको थोड़ा बड़ा करूं, इसको मैं जरा यहाँ कर दूं जरा, तो आपको क्लियर नजर आएगा। देखिए ये मेरे अपना एक एक बिल्ड क्राइटेरिया है इसको एनालाइज करने का ना, तो ये एक मिनट में इसका ना, ये डेली का ग्राफ है ना, तो अगर मैं इसको जरा इसका ग्राफ स्केल जरा बड़ा करके इसको मैं वीकली पे ले जाऊं, वीकली, हाँ जी, तो ये आपको ज्यादा बेहतर बता सकेगा, ठीक है जी। और अगर मैं वीकली पे ले जाऊं तो उसमें देखें इसने यहाँ पे आके सपोर्ट ली है, ये मेरे अपने कैलकुलेटेड एरियाज हैं, ये किसी ने मतलब कि ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस नहीं है इसकी ना। तो देखें इसने अगर वीकली बेसिस पे, अगर इतवार वाले दिन तक, संडे वाले दिन तक ये अपने 7.0007, मैं 0.0 को निग्लेक्ट करूंगा, 0.7 की बात करूंगा, 0.7 को अगर ये होल्ड कर गया, ये यहाँ से इस चैनल में रह गया, तो डेफिनेटली ये अगले ये एक अपनी बुल जोन को कंटिन्यू रखेगा, और इंशाल्लाह ताला ये अगले वीक में आपको इससे भी अच्छे रिजल्ट दिखाएगा, ठीक है। तो और अगर ये इस चैनल में आ गया, तो आपने नीचे वाले चैनल में आ गया ये, तो आपने यहाँ पे आके इसको 0.57, ये इसका बाइंग रेंज है, 0.57 से लेकर 0.5 तक इसका बाई रेंज है, आप जरूर ले इसको ना इंशाल्लाह। ये इसका प्रीवियस हाई था जो इसने तोड़ के ऊपर आया है, अब ये यहाँ से नीचे इंशाल्लाह नहीं जाएगा, बहुत कम माइनर चांसेस है, अगर बिटकॉइन बहुत ज्यादा कम होता है तो शायद ये यहाँ तक आ जाए या इससे नीचे चला जाए, अदरवाइज यहाँ पे यहाँ से नीचे नहीं जाएगा। तो ये जब इसको क्रॉस मारेगा तो अगला टारगेट इसका मेरे मुताबिक 0.1 का है, 0.107 का है, तो इंशाल्लाह ताला बस इसने ये रेंज से ऊपर कैंडल बनानी है, जब बन गई इसका टारगेट आप देखेंगे 0.107 का है, तो ये बहुत अच्छा है। इसके वॉल्यूम देखें आप कंटिन्यूअसली अपस्टेयर्स में वीकली बेसिस पे, ठीक है, यहाँ पे इसने पिक मारी यहाँ, उसके बाद ये अपस्टेयर्स कंटिन्यूअस रख रहा है, तो इंशाल्लाह आगे भी ऐसी एक्सपेक्टेड है। तो अगर मैं इसका मंथली व्यू देख लूँ, ठीक है, मंथली व्यू देख लूँ, तो मंथली व्यू में इसने देखें इस मंथ के इसके वॉल्यूम चेक करें आप, ठीक है, एक्सट्रीम हाई वॉल्यूम है इसके ना, रिकॉर्डेड वॉल्यूम है इसके हिस्ट्री में, जब से ये बिटकॉइन के बाइनांस के ऊपर आया है, ठीक है, तब से इसने जो है ना ये इसका रिकॉर्ड वॉल्यूम है इस मंथ का, तो इंशाल्लाह ताला ये कंटिन्यू रखेगा। अभी तो इसकी फर्स्ट पीक स्टार्ट हो रही है, फर्स्ट पीक स्टार्ट हो रही है, इसमें थोड़ा सा घटना है, फिर तीसरी जो पीक है इसकी वो और ज्यादा डोमिनेट करेगी, तो ये लंबा रखना बनता है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। और बाकी एक इंडिकेटर पे अगर हम देख ले, ठीक है, डेली बेस पे जाके, डेली बेस पे अगर हम जाके इस इंडिकेटर को देख लें, तो ये इंडिकेटर हमें ये बता रहा है कि ये जो है अपने बुल जोन की तरफ दोबारा डेली बेसिस पे आ रहा है, तो किसी भी टाइम ये आपको मौका नहीं देगा, ये दोबारा 8.8 को टारगेट करेगा, और इस बार ये अगर 8.8 को मैं आ गया
तो संडे तक ये इंशाल्लाह ताला 8-8 को क्रॉस भी मार सकता है। तो आप इसको लेके रखें, मैंने आपको इसका बाय लेवल बता दिया है। ये जब तक 0.70 से ऊपर है ये कुछ भी कर सकता है, और 0.5 से लेकर 0.57 तक इसका बाय का जोन है। तो ये दो रीजन अपने दिमाग में रखें, लंबा सोचें, ठीक है, 3 मंथ्स का सोचें, मंथली सोचें, इंशाल्लाह ताला ये आपको बहुत अच्छे गेन देगा। और मेरे मुताबिक इसकी ये अपना एक और जीरो ब्रेक करेगा आने वाले 1 वीक में, या किसी भी टाइम पे जो नेक्स्ट इसका पीरियड आ रहा है, जो नवंबर का महीना स्टार्ट हो रहा है, उसमें ये किसी भी वक्त 1 को ब्रेक 0 को ब्रेक करेगा इंशाल्लाह। तो आप इसको लेके रखें, आपको इंशाल्लाह ताला ये पॉजिटिव देगा रिजल्ट। और पॉकेट मनी इसमें इन्वेस्ट करनी है आपने, इसमें मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें पॉकेट मनी, और साथ इसमें डॉजी को भी आप ना भूलें, डॉजी भी इंशाल्लाह ताला ये आपको अच्छे गेन दे के जाएगा। तो शेप एडवांटेज ओवर डोजी शेयर्ड बाय टॉप ब्लूमबर्ग, देखें ये 20 अक्टूबर 27 की न्यूज है, और ये बाय ट्रेडिंग व्यू के ऊपर आ रही है, ठीक है। और आप देखें तो ये भी एक न्यूज पॉजिटिव, एक्सट्रीम पॉजिटिव न्यूज है, शिप हिट्स न्यू ATH रॉबिनहुड एड्रेसेस, ठीक है, वो भी रॉबिनहुड वाली न्यूज, ठीक है। और शिप INU हिट्स ऑल टाइम हाई, बिकम्स अ टॉप 10 कॉइन। तो ऑल द वे जो है ना वो रॉबिन हुड माइट नॉट एड शिप सून, तो ये नई खबर आ गई है अब नीचे, ठीक है। तो आप इसको भी देख सकते हैं, ठीक है, शिप आईएनयू एंड डोजी आर टू मोस्ट पॉपुलर कम्युनिटी, ये हमने पहले देख लिया, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। शिप फ्लिप्स डोजी मेक्स कॉइन बेस्ड क्रैश सरपासिस निसान LG इलेक्ट्रॉनिक्स इन द वैल्यूएशन शिप आईएनयू। तो सारी न्यूज, 10 में से 9 न्यूज, 10 8 न्यूज इसकी पॉजिटिव आ रही है, और किसी एक आधे पॉइंट पे आके इसकी नेगेटिव आ जाती है। कॉन्टिन्यूस न्यूज आ रही है, किसी भी टाइम ये पीक मारेगा। तो इंशाल्लाह ताला आप इसको लेके रखें, होप के मैं और आप मिलके इसमें पैसा कमाएंगे। और मैं जरा टेक्निकल साइड पे चलता हूँ और टेक्निकली चीजों को लेता हूँ और बेचता हूँ, लेकिन इसको मैंने होल्ड किया हुआ, ठीक है। इसको मैंने, मुझे प्रॉफिट बहुत ज्यादा हो रहा था, ऑलमोस्ट मेरा 600% गेन हो चुका है इसमें, लेकिन मैं स्टिल इसको होल्ड करके बैठा हूँ। मैं इसको होल्ड ही करूंगा और इंशाल्लाह ताला मैं अगले साल तक ही इसको बेचूंगा। तो आप इसको होल्ड करके रखें और इंशाल्लाह ताला प्रॉफिट आपका मुकद्दर होगा, बाकी जो मुकद्दर जो नसीब में होगा वही मिलेगा। तो ये मेरी तरफ से छोटी सी कोशिश थी, होपफुली आपको ये क्लैरिफाई करेगी चीजें। तो आप इसको देखें, और थैंक यू वेरी मच, और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।